जय मां लक्ष्मी। मंगल केतु की अशुभ युति होगी समाप्त। अब की दिवाली पर मां लक्ष्मी भर देंगी इन राशियों की झोली। मंगल केतु दोनों ग्रह इस समय तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और केतु को समान धर्मी बताया गया है, जो उग्र होकर रक्तपात और कष्ट प्रदान करता है। ये दिवाली से पहले ही यानी 30 अक्टूबर को कन्या राशि में आ रहे हैं। इससे तुला राशि पर छाया केतु का साया दूर होगा और अब की बार दिवाली मेष सहित 5 राशियों के लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक रहेगी। देखें राहु केतु के राशि परिवर्तन से किन किन राशियों को मिलेगा फायदा। मंगल केतु की अशुभ युति। मंगल और केतु की तुला राशि में बनी अशुभ युति दीपावली से पहले 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। केतु के राशि परिवर्तन के साथ ही इसका प्रभाव तुला राशि पर से समाप्त हो जाएगा। केतु कन्या राशि में आ जाएंगे और इससे तुला राशि पर बना केतु और मंगल का अशुभ योग समाप्त हो जाने से अब की बार दिवाली पर तुला और मेष सहित 5 राशियों को देवी लक्ष्मी की कृपा का लाभ मिलेगा। जाने आपके लिए राहु केतु का परिवर्तन कैसा रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि की। सफलता के नए पायदान पर पहुंचेंगे। मेष राशि वालों को मंगल और केतु की युति का अंत होने से विशेष लाभ होने की संभावना है। आपके जीवन में करियर से जुड़े नए अवसर आएंगे। आपके लिए आर्थिक मामलों में सुधार होगा। जो प्लानिंग आपने धन के निवेश को लेकर की थी, वो सफलता के नए पायदान को छुएगी। आपका बात करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। मीडिया मार्केटिंग और ऐसे ही नए व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहतर होगा और नए लाभ मिलेंगे। परिवार के लोगों के साथ आपको कहीं मनपसंद जगह पर जाने का मौका मिलेगा। आपको करियर के संबंध में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। वृष राशि। सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और केतु मंगल की युति का अशुभ प्रभाव खत्म होने से वृष राशि के लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो काम पिछले काफ़ी समय से रुके पड़े हैं, उनके इस वक्त पूरा होने की उम्मीद है। खर्च के साथ ही आपकी कमाई में भी इजाफा होगा। मेहनत करने वाले छात्रों को सफलता का स्वाद चखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए जो प्लान बनाएंगे, उसमें मनचाही सफलता प्राप्त होगी। खर्च पर कंट्रोल रखें, वरना आपको आगे चलकर धन की कमी हो सकती है। मिथुन राशि। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। केतु और मंगल की युति समाप्त होने से आपको करियर में शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग अभी तक पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। कारोबार में धन की आवक बढ़ेगी और आपको निवेश के अनुपात में लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। पैसा कमाने के साथ साथ बचाने में भी सफल होंगे। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। शेयर बाजार में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वक्त अच्छा है। रिटर्न बेहतर मिलेगा। तुला राशि। मिल सकती है नई नौकरी की खबर। तुला राशि वालों को नई नौकरी की खबर मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल और केतु की अशुभ युति का अंत होने से करियर में बेहतर परिणाम मिलना आरंभ हो जाएंगे। जो लोग काफ़ी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे, उनके सामने दूसरे संस्थान से कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आपके लिए व्यापार के नए रास्ते खुल सकते हैं। कठिन परिश्रम करने पर आपको लाभ होगा और आपके जीवन में तरक्की होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वक्त आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने वाला हो सकता है। आपको इस वक्त अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि। आपके कोष में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के मंगल और केतु की अशुभ युति के समाप्त होने से करियर के मामले में शानदार अवसरों की प्राप्ति होगी। आपको किसी कारण से भारी खर्च का सामना करना पड़ सकता है। धीरे धीरे आपकी स्थिति में सुधार आएगा और आपके कोष में वृद्धि होगी। आपको परिवार में
इस वक्त सुकून रहेगा और आपस में सभी लोगों के बीच में संबंध पहले से बेहतर होंगे। परिवार के लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने में सफल होंगे। आप भविष्य के लिए भी धन का संचय कर पाएंगे। जय मां लक्ष्मी। ऐसी ही और वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।